हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली मॉम्स विद कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में जिससे कि आप पता लगा सकते हैं अगर आपको वो सिम्टम फील हो रहा है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, वो सिम्टम है वाइट डिस्चार्ज। आप वाइट डिस्चार्ज के फ्लो से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी ने कंसीव कर लिया है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वाइट डिस्चार्ज सभी लेडीज़ को होता है। एक तो आपको वाइट डिस्चार्ज जो है ओवुलेशन के टाइम पे होता है, जो कि होना बहुत लाजमी है क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर एक तो हार्मोन्स काफ़ी अप डाउन होते हैं। तो अगर ओवुलेशन के टाइम पर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा होगा, वो तो आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन वाला वाइट डिस्चार्ज है। अब अगर मैं बात करूँ आपके पीरियड डेट्स आने तक जो है आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, और अगर आपको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और इसमें किसी भी टाइप की स्मेल नहीं है, तो अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, तो इसका मतलब है कि आपने कंसीव कर लिया है। फ्रेंड्स, एक ये भी होता है कि वाइट डिस्चार्ज में अगर आप हल्की सी स्पॉटिंग देखते हैं, थोड़े थोड़े ब्लड्स के स्पॉट देखते हैं, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखती है, मतलब 3-4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड दिखे, उसके बाद वो गायब हो गई, आपको 1-2 दिन 3 दिन तक कुछ भी पीरियड्स भी नहीं आए और कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपने कंसीव कर लिया है क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, और बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं, जैसे कि भूख का बहुत ज़्यादा लगना या अचानक से भूख कम हो जाना। नेक्स्ट होता है आपके मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको गुस्सा आना, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, डिप्रेस होके पता नहीं बैठे हुए हैं रूम में, रोने जैसा फील हो रहा है, या इसके अपोजिट आपको एनर्जेटिक फील होने लग जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील होने लग जाती है बिना किसी रीज़न के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। सब चीज़ें हॉर्मोन्स के अप एंड डाउन होने की वजह से होती हैं। तो अगर आपको ये सब जो है आपके बॉडी में डिस्टर्बेंस फील हो रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया। नेक्स्ट सिम्टम है फ्रेंड्स, आपको स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाना, पिंपल्स हो जाना, अचानक से स्किन जो है आपकी बहुत ड्राई हो जाएगी, आपको आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा खराश फील होगी, हर जगह आप खारिश करेंगे। वो रीज़न फ्रेंड इसलिए होता है कि जब बॉडी कंसीव करती है तो हमारा लीवर जो है एक एंजाइम बनाता है जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है खारिश या इचिंग जो होती है स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पर आपने क्या करना होता है, इस टाइम पर आपको एक अच्छा सा बॉडी लोशन या एलोवेरा जेल या नारियल का तेल आप लगा सकती हैं, इससे काफ़ी आपको जो है आराम मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम होता है फ्रेंड, पेट में मरोड़ उठना, पेट में क्राम्स उठना, आपका निचला पेट का हिस्सा जो है आपको थोड़ा थोड़ा भारी भारी लगेगा, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि आपने कंसीव कर लिया है। नेक्स्ट सिम्टम है फ्रेंड, आपको इस टाइम पे बार बार यूरिन आएगा, आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होंगे, आपको अचानक में जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके नीज में, जॉइंट्स में, आपके पैरों के तलवों में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि आपने कंसीव कर लिया है। टाइम पे फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द बना रह सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है तो आपने कंसीव कर लिया है। तो जाते जाते फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।